नमस्कार, मैं नेहा जोशी, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज हो गई है। बीजेपी की लिस्ट में कई नेताओं के नाम नदारद होने के बाद घमासान मचा हुआ है। अब खबर है कि वसुंधरा राजे के कट्टर समर्थक और पूर्व परिवहन मंत्री यूनुस खान कांग्रेस ज्वाइन करने जा रहे हैं। वे इसके लिए दिल्ली पहुंच गए हैं। उनके साथ बीजेपी के कई बड़े नेता हैं। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा उन्हें कांग्रेस ज्वाइन करवाएंगे। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में यूनुस खान को टोंक केस से सचिन पायलट के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं। यूनुस खान का पार्टी छोड़ना बीजेपी के लिए बड़ा झटका साबित होगा। वे बीजेपी के एकमात्र मुस्लिम उम्मीदवार थे। डीडवाना से भाजपा ने 2 बार जीत दर्ज की है और दोनों ही बार ये जीत यूनुस खान के नाम पर ही रही थी। कोर ग्रुप की बैठक इस बीच राजस्थान बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर शुरू हो गई है। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी, प्रभारी अरुण सिंह, सह प्रभारी विजय राहटकर, चुनावी प्रभारी प्रहलाद जोशी, सह चुनाव प्रभारी कुलदीप बिश्नोई, मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, कैलाश चौधरी और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे मौजूद रही। ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। मैं नेहा जोशी। ताजा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।